दोस्तों पेंसिल, इसके साथ तो आपने अपना बचपन जरूर बिताया होगा या आप अभी भी पेंसिल का इस्तेमाल करते होंगे। पेंसिल बच्चों के ही नहीं बल्कि बड़ों के भी बहुत काम आती है, चाहे वो इंजीनियर हो या एक आर्टिस्ट। दोस्तों आज आपके लिए हम कमाल की वीडियो लाए हैं। यदि आपके मन में भी पेंसिल से जुड़े सवाल हैं, जैसे पेंसिल की काली लीड को पेंसिल के बीच में कैसे डाला जाता है या पेंसिल की कटिंग कैसे की जाती है, तो आज आपको पेंसिल के बनने से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम पेंसिल के बनने के इतिहास पर नज़र डालते हैं कि आखिर पेंसिल का आविष्कार कब, किसने, कैसे और क्यों किया, और जब शुरू में पेंसिल का आविष्कार हुआ था तब पेंसिल को कैसे बनाया जाता था और वो दिखने में कैसी होती थी और इसे किस प्रकार से यूज किया जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि पेंसिल का आविष्कार पेन के आविष्कार से पहले हो चुका था, और पेंसिल के पहले लोग ताम्रपत्र तथा पक्षियों के पंख और नीम का इस्तेमाल लिखने के लिए किया करते थे। दोस्तों पेंसिल से लिखने का प्रचलन ग्रेफाइट के खोज के बाद हुआ। दोस्तों ग्रेफाइट की खोज इंग्लैंड में सन 1564 ईस्वी में हुई थी। उस समय ग्रेफाइट का इस्तेमाल चरवाहे अपने भेड़ों पर निशान लगाने के लिए किया करते थे, और 16वीं शताब्दी के अंत में लोगों ने ग्रेफाइट से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन ग्रेफाइट काफ़ी नरम होने के कारण ये टूट जाती थी और लिखने में बहुत परेशानी भी होती थी, तब इस पर रस्सी को लपेट कर लिखा जाता था। बहुत वर्षों बाद सन 1790 ईस्वी में फ्रांस के साइंटिस्ट निकोलस जाक कोटे ने ग्रेफाइट पाउडर में चिकनी मिट्टी को पानी के साथ मिक्स करके उसका पेस्ट बना लिया और उसे धूप में सुखाकर उसे भट्टी में गर्म कर दिया, जिससे एक कठोर ग्रेफाइट तैयार हो गया। कुछ समय बाद फिर उन्होंने सन 1795 ईस्वी में पेंसिल का पेटेंट करवाया, जिसमें ग्रेफाइट की पतली रॉड को देवदार की लकड़ी के बीच फंसाकर उसे चिपका लिया जाता था। और फिर इसी तरह समय के साथ पेंसिल में थोड़े थोड़े चेंजेस होते गए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मॉडर्न पेंसिल जिसका यूज़ हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं उसे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले पेंसिल की लीड को तैयार किया जाता है। इसके लिए ग्रेफाइट और क्ले को पानी के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है। इससे प्राप्त पेस्ट को प्रेसिंग की मदद से पतले पतले लीड का शेप दे दिया जाता है। फिर इसको ओवन में 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। इसको और ज़्यादा कठोर बनाने के लिए इसको एक स्पेशल टाइप के डब्बे में पैक करके भट्टी में बहुत अधिक तापमान पर पकाया जाता है, जिससे पेंसिल के अंदर लगने वाली ग्रेफाइट कठोर और काफ़ी मजबूत हो जाती है। फिर इन सभी लीड को वैक्स में डुबाया जाता है और इसी तरह से लीड को तैयार किया जाता है, और कुछ इसी प्रोसेस के द्वारा कलर्ड पेंसिल की लीड को भी तैयार किया जाता है, जिसके लिए केवल कलर्ड क्ले का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए इन सभी कलर का पेस्ट तैयार कर लिया जाता है और उसे भी लीड बनाकर उसे ओवन में पकाया जाता है। अब बारी आती है पेंसिल के बाहरी ढांचे को बनाने की, जो कि लकड़ी से बनी होती है। अच्छे क्वालिटी के पेंसिल को बनाने के लिए देवदार के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके रेशे स्ट्रेट, सीधे और नरम होते हैं, जिसके कारण इसे शार्पनर में छीलना आसान होता है। पेंसिल के आउटर सेल को बनाने के लिए लकड़ियों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसे एक मशीन के जरिए छीलकर लकड़ी के प्लेट्स बना लिए जाते हैं, जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर होती है। इन प्लेट्स को एक रोलिंग कटर के नीचे से गुजारा जाता है, जो लेड को लगाने के लिए इसमें लंबे लंबे खांचे बना देती है। इसके अगले स्टेप में एक मशीन इन खांचों में ग्लू को भर देती है। दोस्तों ये ग्लू एक कुशन का काम भी करती है। ये लेड को पेंसिल के अंदर टूटने से बचाती है। खांचों में ग्लू भरने के बाद ये ब्लॉक्स आगे बढ़ते हैं, जहां एक ब्लॉक के बाद वाले ब्लॉक को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर धकेला जाता है। एक रोलर इन लकड़ी के ब्लॉक्स के खांचों में पहले से तैयार लेड को डाल देती है, और जो ब्लॉक दूसरे बेल्ट पर थी उन्हें पलटकर ग्लू एप्लीकेटर से होते हुए इन लेड वाले बॉक्स पर स्लाइड कर दिया जाता है। इसके बाद एक प्लंजर इन बॉक्स को प्रेस करके रखता है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। दोस्तों इस तरह से लेड को लकड़ी के अंदर डालने का काम पूरा हो जाता है। तो अब बारी आती है इन ब्लॉक्स को पेंसिल के शेप देने की।
दोस्तों मार्केट में कई तरह के पेंसिल्स आती है, हेक्सागोनल शेप की, राउंड शेप की और ट्रायंगुलर शेप की। वो आकार पेंसिल को इस मशीन में मिलता है। पेंसिल की शक्ल ले लेने के बाद इन पेंसिल का क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसके लिए रेंडमली पेंसिल को उठाकर उसे शार्प करके देखा जाता है और साथ ही इसकी टिप पर प्रेशर डालकर इसकी जांच की जाती है। एक बढ़िया पेंसिल 2 kg तक के फोर्स को सह सकती है। जांच पूरी होने के बाद अब बारी आती है पेंसिल को कलर करने की। इन पेंसिल को एक एक करके कलरिंग डिवाइस, जिसे लेकरिंग हेड कहा जाता है, उससे होकर गुजारा जाता है, जो इस पर पेंट की एक लेयर को चढ़ा देती है। लास्ट में ट्रांसपेरेंट लेकर की परत को चढ़ाने के बाद इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद पेंसिल पर कंपनी का स्टाम्प लगा दिया जाता है। दोस्तों आपने रबर वाली पेंसिल मार्केट में देखी होगी और इस्तेमाल भी की होगी। उसके लिए इन पेंसिल्स के ऊपरी भाग पर मेटल लगाकर रबर को दबा दिया जाता है, और यदि पेंसिल बिना रबर वाली है तो इसके लिए उसके दूसरे सिरे पर कुछ इस तरह से पेंट कर दिया जाता है। दोस्तों इस पेंट का भी मतलब होता है, ये इंडिकेट करता है कि पेंसिल कितनी हार्ड है। और अब इन पेंसिल को पैक कर दिया जाता है और अब ये तैयार है आपके काम आने वाली पेंसिल। दोस्तों शायद बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा कि अगर पेंसिल के छिलके को दूध में डालकर गर्म करते हैं तो उससे रबर बनती है। यह महज एक अफवाह थी, साइंटिफिकली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि पेंसिल को मिटाने के लिए जिस रबर का इस्तेमाल होता है वो कैसे बनता है। दोस्तों नेचुरल रबर को लेटेक्स से बनाया जाता है, जो कि एक प्रकार का पेड़ों से निकलने वाला दूध होता है। रबर को बनाने के लिए मुख्य रूप से हेविया ब्रासिलियंसिस नामक पेड़ के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रबर ट्री भी कहा जाता है। इसकी खेती केवल रबर उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर की जाती है। रबर की पेड़ से लेटेक्स को निकालने के लिए पेड़ की छाल में खास तरीके से कट लगाया जाता है, जिससे लेटेक्स लगातार बर्तन में गिरता रहता है। इसी तरीके से बहुत सारे बर्तन में इस दूध को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन सभी बर्तन का दूध एक बड़े बाल्टी में जमा कर लिया जाता है। आपने ये तो देखा ही होगा कि दूध में से पनीर को अलग करने के लिए उसमें नींबू को डालकर उसे उबाला जाता है, उसी तरह लेटेक्स में से रबर को अलग करने के लिए लेटेक्स से भरे बर्तन में फॉर्मिक एसिड को डालते हैं और उसे 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। 12 घंटे बाद कोएगुलेशन की प्रक्रिया की वजह से रबर और पानी अलग हो जाते हैं और रबर की एक मोटी परत ऊपर तैरने लगती है और कुछ इस तरह से तैयार होता है नेचुरल रबर। दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बचपन में कभी दूध और पेंसिल के छिलके से रबर को बनाने की कोशिश की है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की हमारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें, दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी है।